डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, दोबारा बना देते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हमने कंट्रोल दबाकर ड्रॉ की और फिर दोबारा हम इसकी कॉपी की आर्ट के साथ, और आर्ट के साथ यहाँ पर भी कॉपी कर लूँ। फिर हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसकी शॉर्ट की ए है, और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इस तरीके से हमने इसमें यहाँ कर दिया। फिर उसके बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, यहाँ दरमियान से पकड़ के इसके साथ मिला दिया। उसके बाद अब सारे को सिलेक्ट किया और इसको उठा के हम ऊपर ले गए और आर्ट के साथ इसकी कॉपी बना ली। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, जगह हमारे पास थोड़ी कम है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको भी छोटा कर देते हैं, या फिर ऊपर वाले की कॉपी बना लेते हैं, इसी की हम कॉपी बना लेते हैं। इसकी कैसी कॉपी बनाएंगे, सारे को सिलेक्ट करके आर्ट के साथ हम इसकी कॉपी बना लेंगे। और आर्ट के साथ कॉपी बनाने के बाद हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से लेंगे ए, और इसके तीन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ये तीन पॉइंट्स, और तीन पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हम आर्ट के साथ ही इसको ऊपर लेके जाएंगे। तीन पॉइंट सेलेक्ट किए और शिफ्ट आर्ट के साथ ही जाएगा, एक मिनट ठहर जाएं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए हो गया और आर्ट के साथ इसको हम बराबर ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ये नहीं जा रहा, इसको हम देख लेते हैं। जी जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम पहले ले लेंगे, ए ले लिया, और लेने के बाद फिर हम इसको यहाँ से इसके तीन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और हम शिफ्ट दबा के इसके पॉइंट्स को ऊपर लेके जाएंगे, और उसके बाद हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। और सारे को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पिक टूल, और पिक टूल की मदद से हम इसको शिफ्ट के साथ बराबर बड़ा कर लेंगे। इसका स्ट्रोक थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं ताकि ये आपके पास नुमाया हो जाए, और फिर इस उसको उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। तो ऐसे जो है हमारे पास ये बॉक्स का कैप जो है वो तैयार हो गया। तो ये कल का लेक्चर था जो कि आपको बताया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर कर लेते हैं।